आप जप की साधना कर रहे हैं, ध्यान की साधना कर रहे हैं, या निकुंज भाव की उपासना कर रहे हैं, जैसे हम लोग निकुंज भाव की उपासना करते हैं। और लोगों को तो पता नहीं किस संत के पास जाना, अब भगत हैं कृष्ण के और दीक्षा कहां से ले रहे हैं, तो रामानंद संप्रदाय से। भक्ति भक्त हैं राम जी के, दीक्षा कहां से ले रहे हैं, तो निम्बार्क संप्रदाय से। ये क्या मतलब हुआ, ये रूल नहीं होता। राम मंत्र की दीक्षा हमेशा रामानंद संप्रदाय के संतों से लेनी चाहिए, रूल है। और वो वही दीक्षा मानी जाएगी, जैसे मेरे पास आओ मैं तुमको कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे सकता हूं, और तुम सोचो महाराज हम राम भक्त हैं हमको राम मंत्र की दीक्षा दो, तो मेरे गुरु से मुझको जो मंत्र मिला वही तो दूंगा। तो मेरे गुरु जी से तो मुझको निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा मिली, तो मैं निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे सकता हूं, राम मंत्र की नहीं। तो रामानंद संप्रदाय गुरु परंपरा से जो दीक्षा चली आ रही है वो राम जी की है, और निम्बार्क संप्रदाय में जो दीक्षा चली आ रही है अनादिकाल से वो कृष्ण मंत्र की है, राधा कृष्ण युगल मंत्र की है। यदि कोई विष्णु भगवान की उपासना करना चाहे तो हमसे भी दीक्षा नहीं लेना, रामानंद संप्रदाय से, वो दीक्षा कहां ले, रामानुज संप्रदाय से, क्योंकि नारायण मंत्र की दीक्षा वो रामानुज संप्रदाय में अनादिकाल से चल रही है। तो मैं देख रहा हूं आजकल गड़बड़ कर रहे हैं लोग, कृष्ण भक्त रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ले ली, बाद में फिर दुखी होते हैं महाराज हमको तो राम मंत्र दिया, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। भाई वो तो रामानंद संप्रदाय के, उनकी परंपरा में राम मंत्र है, वही भगवान राम से प्रारंभ हुआ है मंत्र, वो तो राम मंत्र की दीक्षा देंगे। हमने तो उनसे कृष्ण मंत्र की कहा था, हमने तो बताया था हम कृष्ण के भक्त हैं। भाई सामने वाला संत ईमानदारी का संत है, बेईमानी का नहीं है, वो अपने संप्रदाय की जो दीक्षा गुरु परंपरा से मिली वही तो देगा। अगर तुम उनसे कृष्ण मंत्र की दीक्षा मांगो तो तुम फिर मूर्ख बनाने वाली बात हो गई, उनके पास कृष्ण मंत्र की दीक्षा है ही नहीं, तुमको कैसे दे देंगे। यदि वो दे रहे हैं तो तुमको ठग रहे हैं, क्योंकि अपने अपने संप्रदाय की एक एक दीक्षा जो चल रही वही दीक्षा। तो आप लोगों को तभी यही नहीं पता कि दीक्षा कहाँ से लेनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो उसके लिए तीन संप्रदाय हैं, कहीं से भी दीक्षा ले लो। एक निम्बार्क संप्रदाय जिससे हम दीक्षित हैं, एक गोड़िया संप्रदाय वहां से दीक्षा ले सकते हैं, और एक बल्लभ कुल विष्णु स्वामी संप्रदाय जिसको बोलते हैं, वहां भी आपको कृष्ण मंत्र की दीक्षा मिलेगी। क्योंकि दीक्षा उसको कहते हैं जो भगवान से प्रारंभ हो, भगवान से जो दीक्षा प्रारंभ हो, जैसे कृष्ण मंत्र हम जो जपते हैं, जैसे हमारे मंत्र की दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो राधा कृष्ण का सम्मिलित देह सम्मिलित अवतार भगवान का हंस अवतार है, तो हंस 24 अवतारों में एक अवतार है हंस अवतार। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा है, तो एकादश स्कंध में हंस अवतार की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। तो भगवान हंस ने दीक्षा दी है संकादिक ऋषियों को, संकादिकों ने दीक्षा दी है देवऋषि नारद जी को, देवऋषि नारद जी ने दीक्षा दी निम्बार्काचार्य जी को, और निम्बार्काचार्य जी से शिष्य दर शिष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे दीक्षा होते हमारे तक आई है। ऐसी अनेक संतों के पास ये दीक्षा है, तो कहाँ से आई है, तो भगवान से शुरू हुई। तो आदि जो गुरु है जहाँ से दीक्षा प्रारंभ हुई वो कौन है, श्री कृष्ण भगवान है। ऐसी गोड़िया संप्रदाय है, उनकी दीक्षा भी भगवान से शुरू हुई है, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दी है और आगे होते होते तक पहुंची है। इसी प्रकार बल्लभ कुल की दीक्षा है विष्णु स्वामी संप्रदाय जिसको बोलते हैं, जिसमें बल्लभाचार्य जी सूरदास आदि वे हैं, उनकी दीक्षा भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होती है, वो रुद्र को दीक्षा देते हैं, रुद्र से आहोते होते यहाँ तक पहुंची है। तो जो ऐसी रामानंद संप्रदाय दीक्षा भगवान राम से शुरू होती है, इसी प्रकार से रामानुज संप्रदाय की दीक्षा भगवान नारायण से प्रारंभ होती है। तो भगवान से या भगवान के किसी भी अवतार से जो दीक्षा प्रारंभ होती है और जो गुरु परंपरा से आज तक चल रही है, उसी का नाम दीक्षा है। तो जिस संप्रदाय में जो दीक्षा है वही तो वो देंगे। तो कृष्ण मंत्र लेना है तो उसके लिए ये तीन संप्रदाय, उसमें भी निकुंज उपासना करनी है तो निम्बार्क संप्रदाय जिसमें विशेष रूप से निकुंज उपासना होती है, राधा माधव की युगल उपासना होती है, उसमें राधा रानी की प्रधानता होती है, सखी भाव की उपासना। तो आप जय जिस भी भाव के उपासक हैं उसी भाव की दीक्षा आप उसी संप्रदाय से ले सकते हैं। तो
तो मैं जो बता रहा था एक से अधिक गुरु हो सकते हैं, तो उसका अर्थ है कि आप जो साधना में लगे हैं उस साधना में जो जो सहयोग आपको चाहिए उसी साधना में, अलग नहीं, क्योंकि साधना अनंत प्रकार की है। आपने एक जो साधना पकड़ रखी है उस साधना की उपयोगी सामग्री हमको किसी भी संत से मिल जाए वो संत तुम्हारा गुरु ही होगा। और इस प्रकार आप एक को गुरु धारण करें, अनेकों से शिक्षा लें, शिक्षा गुरु अनेक बनाएं, लेकिन परम गुरु अपने एक जांच जिसको पकड़ लिया, जैसे उदाहरण के रूप में पतिव्रता स्त्री प्यार अपने पति से करती है, शरणागत वो अपने पति की है, और सेवा और अच्छी बातें वो सब जगह से सीख लेती है, सास से भी, देवर जेठ ससुर सेवा भी सब की करती है और सीख भी सब से लेती है, लेकिन दिल उसने एक जगह लगाया है, पतिव्रता स्त्री। इसी प्रकार सद शिष्य को भी चाहिए अपने जीवन में एक गुरु बनाए, और दूसरी जगह से कहीं शिक्षा मिलते वो भी अपने गुरु के माध्यम से अपने जीवन में उतारो। गुरु प्रदत्त साधना, गुरु की अनन्य भक्ति करनी, इसी का नाम है गुरु की भक्ति, शरणागत होकर के साधना करो।